अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपका मोबाइल दिन में कितने घंटे तक यूज़ हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें ओपन हुई, व्हाट्सएप कितनी देर ओपन हुई, यूट्यूब कितनी देर ओपन हुई। जो भी आप एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हैं उस सारे का डेटा आप हासिल कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। और इसके अंदर आप ये भी जान सकेंगे कि आप कैसे किसी भी एप्लीकेशन को एक लिमिट तक उसका टाइम चूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ एप्लीकेशन एक घंटा तक यूज़ करूं, या आपके अगर कोई भी फैमिली मेंबर्स, कोई बच्चे वगैरह कोई मोबाइल पर गेम खेलते हैं या कुछ भी, तो आप उनमें जाकर लिमिट एक सेट कर सकते हैं कि इस लिमिट के बाद ये चीज़ ओपन नहीं होगी। सो गाइस, जो फ्रेंड मेरे इस चैनल पर नए आए हैं उनको वेलकम करता हूं, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए। इसका फायदा ये होने वाला है कि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ आएंगे वो सबसे पहले आप देख सकेंगे। सो गाइस, चलते हैं प्ले स्टोर में, वहां से एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। आपने प्ले स्टोर में आना है, यहाँ पर लिखना है आपने स्क्रीन टाइम। जैसे ही आप लिखेंगे स्क्रीन टाइम तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने फौरन से इसको अपने मोबाइल फ़ोन में कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद हम करते हैं इसको ओपन। हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से इसको परमिशन वगैरह दे देनी है। यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको ऑन कर देना है, और इसका इंटरफेस जो होगा बहुत ही इजी सा आपके सामने नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से ये शो हो रहा है, 2 घंटे और 49 मिनट और 58 सेकंड इस पे हो चुके हैं कि हमारा मोबाइल जो आज यूज़ हुआ है वो टोटली उसका टाइम क्या है। ये आप देख सकते हैं कि जो नीचे लिखा हुआ टुडे, ये आज की टाइमिंग बता रहा है कि आज आपने कितना मोबाइल अपना यूज़ किया है। ये आप देख सकते हैं कि ओपरा मिनी ब्राउज़र है, ये कितनी देर यूज़ हुआ है, क्रोम ब्राउज़र है, ये कितनी देर यूज़ हुआ है, कैमरा, ये यूट्यूब है, और व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा इसने यहाँ पर टाइम जो है वो लिया है। और यहाँ से अगर आप इस पर प्रेस करेंगे तो सारे के सारे आपके सामने एप्लीकेशंस वगैरह आ जाएंगी कि आपने ये देख सकते हैं कि कितने मिनट कौन सी चीज़ यूज़ की है, पूरी डिटेल के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। व्हाट्सएप भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब, कैमरा, और जितना भी है इसका सारा नीचे टाइम भी लिखा आ जाएगा और कितने टाइम आपने इस पर क्लिक किया ये भी आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर साथ आपको देखने को मिल रहा होगा अनलॉक आपने कितनी मरतबा किया है वो भी आपके सामने आ जाएगा। नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर इसकी टाइमिंग जो होगी वो जितनी भी वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर यूजर टाइमिंग होगी, अनलॉक डिवाइस, इस पर आप प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर बता देगा कि कितनी मरतबा आपने अनलॉक किया है। इसके बाद इसका स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको ये देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपके सामने कुछ है कि ऐप लिमिट्स, आपने इस पर प्रेस करना है। इस पर प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ एप्लीकेशंस वगैरह आ जाएंगी। अब ये जैसे ही होता है तो मैं इसको बताता हूँ आपको। एप्लीकेशन हमारे सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर आपने कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप मतलब के टाइम लिमिट उस पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपने एप्लीकेशन यहाँ पर कोई भी चूज़ कर लेनी है। फ़र्ज़ करें हम एल्बम को ही ले लेते हैं। जैसे हम इस पर प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारे सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर हमने घंटे जितने भी होंगे वो सेलेक्ट कर लेने कि कितने घंटे तक ये एप्लीकेशन वर्क करनी चाहिए, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी आप टाइम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप घंटे चूज़ कर सकते हैं कि कितने घंटे होने चाहिए। यहाँ से आप मिनट वगैरह ये चूज़ कर सकते हैं कि कितने मिनट, कितना घंटा और कितने मिनट उसका टाइम होना चाहिए। उसके बाद आपने कर देना है ओके। ओके करने के बाद वो सारा कुछ हमारे सामने सेट हो जाएगा, तो वो एप्लीकेशन जैसे जितना भी आप यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करेंगे उस टाइम के अंदर वो वर्क करेगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर अगर बंद हो जाती है तो आप उसको कैसे आप दोबारा से जो है वो चला सकते हैं, या कैसे वो दूसरा बंदा दोबारा से उसको चला सकता है। तो हम चलते हैं यहाँ से बैक। बैक आने के बाद आपने आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने ये सेटिंग्स सारी की सारी शो हो रही हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा पैटर्न लॉक, आपने इसको ओके कर देना है। यहाँ पर कोई भी है वो पैटर्न आपने सेलेक्ट कर लेना है, आपके अलावा कोई भी इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर सके।
रखेगा। यानी कि अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन पर टाइम सेलेक्ट किया हुआ है तो वो अगर टाइम लिमिट से ऊपर चला गया और आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो गई है तो कोई भी पर्सन आपके मोबाइल में आता है और यहाँ से उसकी टाइम लिमिट ज़्यादा करने की कोशिश करेगा तो उसको आगे लॉक मिलेगा और वो लॉक जैसा आपको पता होगा कोई भी दूसरा बंदा इसको ओपन नहीं कर सकेगा। गाइस ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये एप्लीकेशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।